इंसान की जिंदगी में नमक का काफी महत्व है। नमक का संबंध सिर्फ आपके स्वाद या सेहत से नहीं बल्कि आपके सौभाग्य से भी इसका नाता बड़ा गहरा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक से जुड़े कई ऐसे ज्योतिषीय और वास्तु उपाय हैं जिन्हें करते ही आपकी किस्मत नमक की तरह चमक जाती है। आप जानते हैं कि नमक का प्रयोग सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि नजर दोष को दूर करने के लिए भी किया जाता है। अगर आपको लगे कि घर के किसी सदस्य को नजर लग गई है तो आप एक चुटकी नमक लेकर 3 बार उसके ऊपर से घुमाकर बाहर फेंक दें। मान्यता है कि इस नमक के इस उपाय से नजर दोष दूर हो जाता है। तो वहीं अगर इसे वास्तु विज्ञान के अनुसार देखें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार शीशे के प्याले में नमक भरकर शौचालय और स्नान घर में रखने से उससे जुड़े वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इस उपाय का तार्किक कारण भी है। दरअसल नमक और शीशा दोनों ही राहु ग्रह से जुड़ी चीजें हैं जो इससे जुड़े नकारात्मक प्रभाव को दूर करने में मददगार साबित होती है। इसके साथ ही घर या कारोबार को बुरी नजरों या ताकतों से बचाने के लिए नमक का प्रयोग कारगर साबित होता है। इसके लिए आप डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें, जिससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। इसके लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप को रख सकते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार ये पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल के साथ ही सुख समृद्धि को बढ़ाने में भी सहायक होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए पानी में खड़ा नमक मिलाकर पोछा लगाना चाहिए। इसके साथ ही रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में चुटकी नमक मिलाकर हाथ पैर धोने से न सिर्फ थकान तनाव दूर होता है बल्कि राहु और केतु के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। नमक के इतने फायदे हैं जिससे आपकी किस्मत भी चमकेगी, साथ ही साथ आपके दुख भी आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको इस नमक की एक खास बात ये हम बता देते हैं कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने हाथ से उसके हाथ में सीधे मत दीजिएगा, ना तो खुला और ना ही पैकेट के जरिए, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा करने से आपसी संबंध खराब होते हैं।